ये तीनों भी बहुत खूबसूरत है, बढ़िया है। वो जेब्रा क्रॉसिंग वाली है ना, हाँ? वो तुम्हारी भाभी बनेगी, सोनू बेबी। ओए का, एक लात मारेंगे ना यहाँ से, भागते हुए नजर आओगे सब। बेबी यू हैड अ फूड बेबी। हाँ, ये सियासी खेल क्यों खेल रहा बिल्ले? सोनाली से मैं प्यार करता हूँ, वो मेरी है, बीच में मत कूद, चाय की उधारी बंद कर दूंगा तेरी। ए बदनाम बदनाम, अरे नाराज मत हो यार, अरे वो मुझसे प्यार करती है, और प्यार ना जोर जबरदस्ती से नहीं होता है, तेरा पत्ता कट गया है। चुप कर बिल्ले, दिल में लगी है, दुनिया को लगा दूंगा मैं। सोनाली का अगर नाम लिया तो तेरी धोती जला दूंगा मैं। मैं धोती पहनता ही नहीं। जो भी पहनता है उसे भी जला दूंगा मैं। तक ले, सटक ले। हाँ, तुम लोग आपस में लड़ो, हमारा सही है। Excuse me. क्या तुम तीनों आपस में ही डिसाइड करोगे? कन्याओं से तो पूछो, बड़े आशिक बने फिर रहे हो, बहुत प्यार मोहब्बत चल रहा है थाने में। हाँ बिल्ला? नहीं नहीं मैडम, वो लखनऊ के फैशन क्वीन है ना, तीनों के तीनों तो खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे। इकबाल बदनाम, क्या काम धंधा छोड़कर यहाँ आ गए हो थाने में तुम दोनों? क्या मैडम ना, हमसे भी कोई पूछने वाला होना चाहिए ना, मेरा कुछ, मेरा पूछ, मेरा सोना, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरे बाबू ने ताना ताया तो वो ऐसा ताना खिलाएगी ना तुमको कि कभी जिंदगी में भूख नहीं लगेगा। अब कटो। ओह माय गॉड, शी इज सो जेलस ना। उसे इतनी अटेंशन नहीं मिलती ना, इसलिए इतनी इनसिक्योर है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। खबरदार। जय मैडम। जय। खबरदार जो इनके बारे में ऐसा कुछ कहा तो, आप तो यहाँ सिर्फ कंप्लेंट लेकर आई है, मगर आपकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी वर्दी तक दांव पे लगा रखी है, और आप कहती है कि ये आपसे जलती है। अरे ये तो क्या, हमें से कोई भी आपसे जल नहीं सकता, हम महिला पुलिस है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, इसलिए दिन में ना सूरज की गर्मी देखते हैं, ना ठंड में ठंडी, और ना ही बारिश में पानी, इसलिए ये सजना सवरना, ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करना, ये हमारी जिंदगी में सबसे आखिर में आता है। जय हिंद मैडम। जय। ये कांस्टेबल संतोष शर्मा, दिखने में तो आपसे बहुत ज्यादा सुंदर है, अगर ये चाहती ना तो आपसे भी बड़ी मॉडल बन सकती थी, पर इन्होंने सजने सवरने के बजाय आप जैसों को सुरक्षा देना महत्वपूर्ण समझा, और आप कहती कि ये जलती होगी आपसे, शर्मानी चाहिए आपको। बस बस पुष्पा जी, रहने दीजिए, इनके कहने का ये मतलब नहीं है कि जो आप कर रही हैं वो गलत है, सब अपना अपना फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस हाँ किसी को नीचा दिखाकर नहीं, सबको साथ लेकर। संतु क्या अपडेट है? अब मैडम अंदर बात करते हैं। हाँ चलो चलिए। मैडम मैंने चेक करवाया, बबलू त्रिपाठी का फोन उसी फंक्शन में मिसप्लेस हो गया था। कुछ टाइम तक फोन बंद रहा, लेकिन उस लोकेशन से 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो फोन दोबारा ऑन किया गया, और ये वही वक्त है जहाँ उन लड़कियों को थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, जहाँ वो तीनों लड़कियों को थ्रेट कॉल्स आए थे। उसके बाद उसी वक्त वो बबलू त्रिपाठी उस फंक्शन से निकल के एक नए दुकान के इनॉग्रेशन पर गया था, इस बात के बहुत सारे आई विटनेसेस हैं। उसके बाद बबलू त्रिपाठी गया एक मोबाइल शॉप की दुकान पर, वहां से नया फोन खरीदा और अपना नंबर चालू करवाया। नहीं नहीं, तो उस फोन का क्या हुआ जो फंक्शन से चोरी हुआ है? फोन तो मैडम तब से स्विच्ड ऑफ ही है ना, इसलिए लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकती। ये तीनों लड़कियां ना, इनके फोन सर्वेलेंस पे डालो, और जैसे ही टोपा कॉलर इनको कॉल करेगा ना, ये हमारी गिरफ्त में होगा। हेलो महिला पुलिस था, है? कैसा फोन है, फिर भी बज रही है। हेलो जीते, ये मैडम सर का ऑफिशियल लैंडलाइन है, और वैसे भी ये नहीं बज रहा, ये बज रहा है। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सेवा की तो हमें बहुत जरूरत है, पर वो हम करिश्मा सिंह से करवाएंगे। क्या मतलब? मतलब सिर्फ हम करिश्मा सिंह को बताएंगे, बात करवाइए। आपसे बात करना चाहता है कोई? हाँ बोलिए। क्या करिश्मा सिंह जी, बड़ा जोरों शोरों से ड्यूटी चल रहा है, क्या लगता है तुमको इन तीन तितलियों को अपना घोंसला में छुपाई हो तो कब तक बचा पाओगी? ये तब तक ही बची हैं जब तक फाइनल्स में हिस्सा नहीं ले लेती, अगर रैंप पर चली तो ये फिर सीधा यमलोक में रुकेंगी। का खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझ लियो तुम,
जो बोलोगे हो जाएगा। और फोन में घुस के क्या बतिया रहे हो हमसे, सामने आओ, चलने लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको, समझे तुम? अपनी दबंगई बात के लिए बचा के रखो दरोगाई, आखिरी बार कह रहे हैं इनमें से कोई भी मिस लखनऊ के फाइनल्स में हिस्सा नहीं लेगा, खत्म। धमकी दे रहा था, जिंदगी से मोह कम हो गया इसका जो करिश्मा सिंह को धमका रहा है। चीते को और कितना टाइम है संतू? बस आता ही होगा, मैडम कब आएगा? मैडम हाँ मैडम, यही अब आदमी इसके फोन से फोन किया गया था। तुम्हारी मैया की सासू मैया, हमसे अड़ रहे थे तुम, हमको धमकी दे रहे थे तुम। मैडम इसके फोन से फोन आया था लेकिन इस्तेमाल कोई और किया था, ये नहीं किया था। हाँ मैडम, एक आदमी हमारे पास आया था, कह रहा था बहुत बड़ी दुविधा में है, MPT में करिश्मा सिंह से बात करना चाहता है। अब आपका भोकाल तो पूरा लखनऊ शहर जानता है, आपने बबलू त्रिपाठी के कनपट्टी में जो लगाई थी उसकी गूंज तो पूरे लखनऊ शहर ने सुनी है, इसलिए हमने ताबड़तोड़ आपको फोन लगाया और उस बंदे की बात करवाई। तो फिर उसने क्या बात की, ये भी तो सुना होगा ना? नहीं मैडम, वो बहुत अजीब था, वो फोन भी सोशल डिस्टेंसिंग रख कर ले रहा था, और कहता है जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं। अरे शक्ल तो देखा होगा तुमने। नहीं मैडम, उसने चेहरे पर मास्क लगाया था और सर पर कैप था और हाथ में ग्लव्स भी। खुद को बहुत तेज समझता नहीं है, इस चूहे को तो बिल से निकालेंगे हम। संतू तुम इस मिस लखनऊ के इवेंट मैनेजर को कॉल लगाओ तुरंत अभी। यस मैडम। मैं जानता हूँ आप हमारी भलाई की बात कर रही हैं, हम भी फाइनल्स करवाना ही चाहते हैं, स्पॉन्सर तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, पर मैम ये काफी रिस्की हो सकता है, थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ ना मैम तो। देखिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम जो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं और हमारे पास ना कोई और रास्ता नहीं है उस मुजरिम तक पहुँचने का, इसलिए हमारा साथ दीजिए। ठीक है मैम, अगर आप कह रही हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। क्या हुआ मैम? मान गए भाई साहब। मान गए ये तो बहुत अच्छी बात है। पुष्पा जी आइए जरा आगे का प्लान। मान गए, वो तो मान गए संतु जी, अब आप भी मान जाती ना संतु जी तो बड़ा अच्छा हो जाता। चीते मैं तो मान जाऊं लेकिन मम्मी नहीं मानेगी मेरी। क्या बात कर रही है संतु जी, आप मान जाइएगा। संतु जी अगर आप मान जाइएगा ना तो मम्मी जी को हम कैसे भी करके मना लेंगे संतु जी। नहीं चीते, तू मेरी मम्मी को नहीं जानता, बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब मामलों में, वरना मेरा तो बचपन का सपना था। बचपन का सपना था आपकी? मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है संतु जी। कुछ बोला? ना संतु जी, बस हम इतना बोल रहे थे ना कि आपकी मम्मी जी चाहे जितनी भी स्ट्रिक्ट हो संतु जी, हमारा एकदम मतलब ऐसे प्यारा सा भोला सा मासूम सा चेहरा देखकर और एकदम प्रभावशाली व्यक्ति तो देखकर ना मम्मी जी ना नहीं कर पाएंगे संतु जी, मान जाएंगी वो। तेरा चेहरा ना मासूम में ही लाचार सा है, और वो जो है ना प्रभा, क्या बोला तूने? प्रभावशाली व्यक्तित्व। हाँ वो जो है वो तू नहीं है, तो फिर मेरी मम्मी मॉडलिंग के लिए कैसे अलाउ करेगी? मॉडलिंग? इतने देर से आप मॉडलिंग के बारे में बतिया रही थी संतु जी। हाँ बोया गुलाब निकला खजूर सारे सपने चकनाचूर, कुछ नहीं संतु जी सॉरी। एक्सक्यूज मी, हम तीनों फाइनल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या? क्यों क्यों? एक मिनट करिश्मा मैडम। पुष्पा जी इधर आइए एक मिनट। पर ये देखिए ये क्या बोल रही है, क्या हुआ? मैडम आप शेर के शिकार में हमें बकरी बना रही, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ और ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना आप ही के लिए कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, एक यही रास्ता उस चूहे को उसके बिल से निकालने का। अच्छा मैडम, मतलब आपको हमारी जान दांव पे लगानी पड़ी तो आप लगाएंगे? देखिए खतरा तो है पर वो कहाँ नहीं होता, सुपर हीरोज को भी जान का जोखिम उठाना पड़ता है, फिर हम तो मामूली इंसान हैं। अभी इस खतरे से कतरा रही हैं आप, मगर हमारे इतने साल के ड्यूटी के अनुभव से कहते हैं आपसे, अगर ये मुजरिम नहीं पकड़ा गया ना तो जिंदगी भर आप इसी डर में जीती रहेंगी। यहाँ तक आने की हिम्मत दिखा चुकी हैं आप लोग, बस थोड़ी और हिम्मत दिखाइए, ये महिला पुलिस थाना आपसे वादा करता है, आप पर किया हुआ हर वार पहले हमसे होते हुए गुजरेगा। वाओ चीयर्स। अरे मैडम बैठे चाय पीजिए। नहीं नहीं रहने दे चाय। अच्छा ये बता, इतना बड़ा इवेंट शो लाइफ में पहली बार देखेंगे तुम दोनों? मैंने तो बहुत बार ऐसे शो देखे हैं उदास होके। बहुत ज्यादा ऐसा शो नहीं, जाहिल आदमी। क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं?
माती इतना उदास क्यों है आप? इन दोनों को गाली भी नहीं दी। संतू, हम भी चाहते हैं ये जो गुनहगार है जिसने उन लड़कियों को धमका के रखा है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मगर हमें डर करिश्मा मैडम के लिए लग रहा है। उन्होंने ये केस दिल पे ले लिया है, अगर उनसे कुछ अनहोनी हो गई तो। काश आज हसीना मैडम यहाँ होती। पुष्पा जी, इतनी सी बात? इसका समाधान तो मैं निकाल चुकी हूँ। क्या मतलब समाधान? पुष्पा जी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकाल चुकी हैं संतू जी। सो इजी। क्या है ये सो इजी समाधान? ये कि क्या बात है संतू, सच कहे तो हम भी हसीना मैडम को फोन करना चाहते थे, मगर उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा वो भी परेशान होंगी। खैर तुम बताओ उन्होंने क्या सलाह दी? लो, आप खुद ही पूछिए। जय हिंद। आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? अब पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरीके से रिकवर होने में वक्त लगेगा। तो जब तक उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती आपको उनके साथ ही रुकना चाहिए था ना मैडम सर? चाहते तो हम भी वही थे पुष्पा जी, लेकिन ये महिला पुलिस थाना भी हमारा परिवार ही है इसलिए आना पड़ा। और वैसे भी जब फर्ज पुकारता है तो रिश्तों को इंतजार करना पड़ता है। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए आप सबसे हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ चलिए चलते। बैठो इधर, बैठो इधर। आप लोग नहीं, I also। चलिए चोर। ओके सो करिश्मा सिंह का? अब वो हेडक्वार्टर गई है आर्म्स और एमिनेशन सैंक्शन करवाने। आप? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप आ गई? जी हम आ गए। करिश्मा सिंह, आपके केस सॉल्व करने का तरीका सही है लेकिन तैयारी गलत। अभी हम ज्ञान लेने के हिम्मत में बिल्कुल नहीं है मैडम सर, बहुत कुछ खो चुके हैं इस केस में। देखिए हम जानते हैं लेकिन आप हमारी बात समझिए। जानने समझने का वक्त नहीं है मैडम सर, अब हम जानते हैं आप SHO है और हम SI बन चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस चूहे को पकड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। करिश्मा सिंह, आप होश में नहीं जोश में कदम उठा रही, और जोश में उठाए हुए कदम पर हमेशा ठोकर लगती है। ठोकर तो हम वैसे ही खा चुके हैं ना मैडम सर, इमोशन हो गया है हमारा। जब तक हम इस चूहे को नहीं पकड़ेंगे ना तब तक हमारा पोस्ट और हमारा रुतबा हमें वापस नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इसको पकड़ना है किसी भी हालत में। और आप अपने पोस्ट और रुतबे के चक्कर में 3 मासूम जिंदगियां खतरे में डाल देंगी। करिश्मा सिंह जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर जरा सी भी अनहोनी हो गई तो आप जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। नहीं कोई अनहोनी नहीं होगी मैडम सर, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। जहाँ तक आप माफ करने की बात करी तो माफ तो हम खुद को वैसे भी नहीं कर पाएंगे अगर हमने इस मुजरिम को नहीं पकड़ा तो, और उस इंसान को भी माफ नहीं करेंगे जो इस वक्त हमारे रास्ते में आएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। आप जैसा चाहती हैं वैसा नहीं हो सकता करिश्मा सिंह। शायद आपने ठीक से सुना नहीं है मैडम सर हमने क्या कहा। हमने कहा इस वक्त हमारे रास्ते में जो कोई भी आएगा हम उसको माफ नहीं करेंगे, और इस केस में अब वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। अब तो वैसा ही होगा जैसा हम ठान के बैठे हैं, फिर चाहे आज आप हमें सस्पेंड ही कर दे तो कर दीजिए। ये कॉम्पिटिशन भी होगा, लड़कियां पार्टिसिपेट भी करेगी, और हम उस मुजरिम को ना सबके सामने पकड़ेंगे। क्या हुआ पुष्पा जी? मैडम सर हमें गलत मत समझिएगा, हम आपकी सोच या आपके फैसले पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम जो कुछ भी कहेंगे उसे बस एक विनती समझिएगा। पुष्पा जी आराम से दिल खोल के बताइए,
मैडम सर, आपने जो कुछ भी करिश्मा मैडम से कहा, हम उससे बिल्कुल सहमत हैं। मगर शायद उन्हें इस वक्त एक सीनियर की नहीं, दोस्त की ज्यादा जरूरत है। जितना हम उन्हें जानते हैं, जब भी उन्हें अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी से करनी होती है तो गुस्से का ज्यादा दिखावा करती है वो। मगर वो ये चाहती है कि कोई आए और उनके भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसे सुलझाए। करिश्मा मैडम का काम करने का तरीका भले ही गलत हो, मगर उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। हमें खुशी है इस बात की पुष्पा जी कि आप पर्सनली हमारे पास आए इस बारे में बात करने के लिए। हम जानते हैं कि करिश्मा सिंह की नीयत कभी खराब हो ही नहीं सकती, इसीलिए हम उनकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। और वैसे भी ये महिला पुलिस थाना है, यहाँ का उसूल है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, एक दूसरे के साथ हमेशा डट कर खड़े रहना। हम करिश्मा सिंह के साथ भी वही करेंगे, बात करते हैं उनसे। नहीं, हम उन्हें फोन करके बुलाते नहीं है। पुष्पा जी, फोन करके सीनियर ऑर्डर देते हैं, दोस्त डायरेक्टली जाकर मिलते हैं। मगर आप उनसे कहाँ मिलेंगे? गुस्से में तिलमिला के पता नहीं कहाँ जाके बैठी है। हम अच्छे से जानते हैं कि वो अपना गुस्सा कहाँ निकाल रही होंगी। ऐतराज ना हो तो हम भी ज्वाइन करें? ऐतराज कैसे हो सकता है, आप हमारी सीनियर है मैडम सर। एक बात बताइए करिश्मा सिंह, आपको सच में ऐसा लगता है कि हम आपके साथ बॉस की तरह या सीनियर की तरह बर्ताव करते हैं, आप लोगों को जूनियर की तरह ट्रीट करते हैं? देखिए, या तो हम ठीक से दिखा नहीं पाते, या शायद आपकी आंखों पर गुस्से की पट्टी इतने कस के बंधी है कि आपको हमारा प्यार, हमारे दिल में आप सबके लिए जो इज्जत है वो दिखाई नहीं देती। हमने आपसे कहा कि आपने बिना तैयारी के फैसला ले लिया, तो क्या गलत कहा? और इसमें हमारा क्या फायदा है, हम तो आपके भले की बात कर रहे हैं। हम आपसे पहले कई बार कह चुके करिश्मा सिंह कि ये महिला पुलिस थाना हमसे नहीं है, हम सबसे है। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, आज हम आपसे सीनियर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बात करते हैं। अगर ऐसा बात है तो मैडम सर, क्या आज हम सारे प्रोटोकॉल्स को साइड में रखकर आपसे एक दोस्त की तरह कुछ पूछ सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपका कोई दोस्त किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो आप उस दोस्त के लिए क्या करेंगी? उसकी मदद करेंगे, उसकी परेशानी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जो आप हमारे साथ कर रही हैं वो ठीक है? करिश्मा सिंह, दोस्ती का उसूल ये भी है कि अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा हो तो आप उसे रोके, और हम वही कर रहे हैं। किसी की जान बचाकर मुजरिम को पकड़ने में क्या क्या गलत है मैडम सर? बिल्कुल गलत नहीं है, आपकी नीयत में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता, बस रास्ता आपने गलत चुना है। तो फिर आप ही बताइए कि क्या रास्ता ठीक है। मॉक रिहर्सल का? मॉक रिहर्सल? जी, ब्यूटी पेजेंट के अब फाइनल राउंड की मॉक रिहर्सल होगी महिला पुलिस थाने में। यही एक तरीका है सिचुएशन को कंट्रोल में रखने का, लड़कियों को सेफ रखने का, और उस चूहे को बिल से बाहर निकालने का। और ये करने के लिए हमें लगेगी बहुत सारी प्री प्लानिंग। ऑफकोर्स आप हमारा साथ दें तो। मैडम आप ये क्या बात कर रही हैं? यहाँ महिला पुलिस थाने में मॉक रिहर्सल, और आप मुझे एंड पॉइंट पर ये नोटिस दे रही हैं कि मैं वेन्यू चेंज करूं? मैडम मेरी टीम कैसे कर पाएगी इतना अरेंजमेंट? देखिए, कोविड के चलते सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ऑडियंस तो होगी नहीं, तो फिर डिजिटल वेन्यू चेंज करने से फर्क क्या पड़ता है? हम जो करना चाहते हैं उससे आपका इवेंट सक्सेसफुली भी हो जाएगा, आपके पार्टिसिपेंट सेफ रहेंगे, और हमें इस मुजरिम को पकड़ने में आसानी भी होगी। ये मुजरिम बहुत ही शातिर है, आपके बनाए हुए फिक्स्ड वेन्यू पर उसने अपना जाल ऑलरेडी बिछा लिया होगा। वेन्यू चेंज करते ही उसे अपने प्लान को रिवर्क करने का मौका नहीं मिलेगा, वो बौखला जाएगा, गलतियां करेगा, और इन गलतियों का फायदा उठाएंगे हम। चलिए ठीक है मैडम, मान लेता हूँ कि मैंने सारे अरेंजमेंट करवा दिए और इस महिला पुलिस थाने में मॉक रिहर्सल भी हो जाएगी। पर है तो वो रिहर्सल ना, और आपका मुजरिम आने वाला तो फिनाले में है, अगर वो नहीं आया तो? वो आएगा, क्योंकि मॉक रिहर्सल में होंगे कुल मिलाकर 4 पार्टिसिपेंट, जिसमें से 3 फाइनल राउंड में जाएंगे, तो ऐसे इंपॉर्टेंट राउंड के लिए वो जरूर आएगा। मैडम ये फोर्थ पार्टिसिपेंट कहां से आएगा? पर फोर्थ पार्टिसिपेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री है।
मैडम हमारे स्पॉन्सर्स नहीं मानेंगे लेकिन ये वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए। आप अपने स्पॉन्सर से कहिए कि ये मॉक रिहर्सल महिला पुलिस थाने में हो रहा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है जो आपके शो में लास्ट मिनट पर तड़के की तरह काम करेगी, पब्लिसिटी और बढ़ जाएगी, आपका शो हिट। ठीक है मैम, इससे बात तो बन जाएगी पर लेकिन आपको जो भी करना है कल के कल करना होगा, अगर मेरे स्पॉन्सर्स ने हाथ खींच लिया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या आप लोग तैयार हैं सबके लिए? उस मुजरिम को पकड़ने के लिए हम एक पैर पर खड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है मैम, तो मैं भी तैयारी करता हूँ फिर। बाय द वे मैम, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है कौन? सही समय आने पर आपको वो भी पता चल जाएगा। घबराइए नहीं, ऐसा ही कोई होगा जो आपके बाकी पार्टिसिपेंट से टक्कर में हो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.